शासकीय सेवाओं में रुझान के बावजूद इन सेक्टरों में कम होते रोजगार के अवसर का नतीजा यह निकला कि बीते 2017 के वर्षांत तक जिले में शिक्षित बेरोजगारों का आंकड़ा 90,000 को पार कर गया। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि मौजूदा समय में जिले के भीतर 90,000 से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हुए हैं। वहीं 2017 में ही लगभग 11,000 बेरोजगारों ने अपना पंजीयन कराया है। 2017 का यह आंकड़ा 2016 से 3,000 अधिक है। उन्होंने बताया कि शासकीय क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों में कमी और स्नातक के डिग्री धारियों की संख्या में होती बढ़ोतरी ही बेरोजगारी की वजह है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष उनके विभागीय प्रयास से लगभग 350 युवाओं को निजी और शासकीय सेक्टर में नौकरियां हासिल हुई हैं। स्वरोजगार मार्गदर्शन के साथ ही प्लेसमेंट के लिए प्रति माह बेरोजगार मेले का आयोजन भी होता है, जिससे युवाओं को उनके रुचि के मुताबिक मोटर व्हीकल सेक्टर, निजी बैंकों में गार्ड और अन्य निजी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। जिला रोजगार कार्य कोरबा में अभी तक 90,000 से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं। इस साल 2017 में 11,000 से अधिक लोग पंजीयन किए हैं। सरकारी सेवा में तो अभी नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से नहीं हो रहे हैं, जैसे हम लोग समय समय पर रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप करवाते हैं, उसके माध्यम से 350 से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिला है। और समय समय पर जैसे अप्रेंटिस का आता है NTPC का, तो वहाँ पर हम लोग पिछले बार 350 से ज़्यादा युवाओं के नाम भेजे थे, बहुत सारे अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं। 2016 का अपेक्षा 2017 में कितना इजाफा हुआ है सर बेरोजगारों को? 2016 के अपेक्षा 2017 में करीब 3,000 ज़्यादा बेरोजगार युवाओं का इजाफा हुआ है। कारण क्या है सर बेरोजगारी बढ़ोतरी में? लगातार क्या, जैसे युवा लोग ग्रेजुएशन होते जा रहे हैं, उस हिसाब से शासकीय सेवा में रोजगार के अवसर कम मिल रहे हैं, इसलिए उनको बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। जिले में इतनी तादाद में बेरोजगारों की मौजूदगी चिंता का विषय है। लगातार नौकरियों में होती कटौती और शासकीय विभागों में भर्ती प्रक्रिया की देर भी इसकी वजह मानी जा सकती है। हालांकि यह आंकड़ा उन बेरोजगारों का है जिन्होंने अपने पंजीयन कार्यालय में कराया है। नवीनीकरण और नए आवेदकों की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो जिले में ही यह संख्या 1,00,000 के पार हो जाएगी। जिले का रोजगार पंजीयन और मार्गदर्शन केंद्र भी युवाओं के रोजगार को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि योग्यता के मुताबिक मेले का आयोजन करते हुए उन्हें अलग अलग सेक्टर में रोजगार के विकल्प दिए जाते हैं। अलग अलग सेक्टर में रोजगार के विकल्प दिए जाते हैं।